इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने सरवटे और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया है। तो देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिवसीय यात्रा के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। आपको बता दें, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस ने इस अभियान को चलाया है। संदिग्ध दिखने वालों की तलाशी भी ली गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। जी भारत, पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, क्या कुछ जानकारी? इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिवसीय दौरा भी है, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल करिश्मा, बता दें कि 23 जून के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दिवसीय जो दौरा इंदौर के लिए है, यहाँ पर एक कार्यक्रम स्थल पर जो है शामिल होंगे स्वच्छता, और उसके बाद राजगढ़ जाएंगे। इसी के मद्देनजर जो है पुलिस ने शहर इंदौर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सरवटे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जो है देर रात तक चेकिंग अभियान चलाया गया। कुछ संदिग्धों की धरपकड़ भी की जाने की सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री आने से पहले जो है शहर में सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। वहीं सरवटे पर आने जाने वाले यात्रियों को चेकिंग किया जा रहा है, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज वो भी जो है खंगाले जा रहे हैं। किसी भी तरह की संदिग्ध या कोई इससे व्यवस्था मिलता तो उसे तत्काल जो है पकड़कर थाने ले जाया जा रहा है, उसकी पूछताछ की जा रही है। तो पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसी के मद्देनजर शहर के अलग अलग जगह जो है चेकिंग अभियान भी चलाया गया। जी भारत, जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं इंदौर, तो इस दौरान इंदौर को कोई सौगातें मिल सकती हैं, और साथ ही और कौन कौन मौजूद रहेगा उनके साथ? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है राज्यपाल आनंदी बैन, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद रहेंगे, और भी कई बड़े राजनेता और दिग्गजों का जो है यहाँ पर आना होगा। उसी की सुरक्षा दृष्टि के चलते जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिसको एयरपोर्ट से लेकर तो जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर तकरीबन 1000 से भी अधिक जो जवान है वो उनकी सुरक्षा में मौजूद रहेंगे, और कई वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट जो है वो रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री यहाँ से एयरपोर्ट से डायरेक्ट जो है वो राजगढ़ के लिए रवाना होंगे, और फिर बाय कार जो है वो इंदौर वापस आएंगे, और इंदौर के बाद में जो कार्यक्रम स्थल में शामिल होंगे, जिसके चलते वीआईपी मूवमेंट होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है।